केक तो पार्टीज की जान होते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी हो या फिर कोई इवेंट। केक के बिना तो ये सब अधूरे लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेड वेलवेट केक की रेसिपी। रेड वेलवेट केक मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो जितनी कीमत में आप ये केक बाजार से लाएंगे उससे कम कीमत में आप इसे घर पर बना लेंगे और ये सभी को बहुत पसंद भी आएगा। मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेड वेलवेट केक बनाने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आज मैं केक प्रीमिक्स से बना रही हूँ। तो मैंने 2 कप केक प्रीमिक्स लिया है, 1 कप दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पर है, और ये वाला कप मैंने इसलिए लिया है ताकि आप सारा मेजरमेंट इस कप से कर सको। 1/2 कप आमंड का पाउडर लिया है मैंने, और ये बाजार में इजीली मिल जाता है, और अगर ना मिले तो आप मिक्सी में कुछ बादाम को चला लें तो आपको ये मिल जाएगा। फूड कलर लिया है मैंने रेड कलर बनाने के लिए, पिंक और येलो फूड कलर, और ये जेल फूड कलर हैं, बाजार में इजीली मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेनीला एसेंस लिया है मैंने, 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, और अगर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हो तो ऐसा कुकिंग ऑयल है जिसमें कोई स्मेल ना हो, और 1/2 टीस्पून मैंने कोकोआ पाउडर लिया है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। आमंड पाउडर, कोकोआ पाउडर। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालकर इसका बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। रेड वेलवेट केक में आमंड का पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में ये डालते हैं इसीलिए ये कॉस्टली आता है। अब हम इसमें 2 ड्रॉप वेनीला एसेंस डालेंगे, और अब हम इसमें कलर डालेंगे, 2 बूंद पिंक फूड कलर डाल रही हूँ मैं, और 2 बूंद येलो फूड कलर। मैंने इसमें सारा दूध मिक्स कर दिया था, और अभी मुझे इसमें कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 2 बूंद और डाल रही हूँ पिंक और येलो फूड कलर की। मैंने इसमें कुछ ड्रॉप पिंक और येलो फूड कलर की डाली हैं, और 1 टीस्पून कोकोआ पाउडर और डाला है, और हमें ये एकदम सही रेड कलर मिल गया है, और हमारा ये पेस्ट भी तैयार हो गया है। और अब हम इसको साइड में रख देते हैं, और अब हम कढ़ाई को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं, और एक ये स्टैंड रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है तब तक हम केक पैन को ग्रीस कर लेते हैं। केक पैन को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे जिससे केक हमारा इजीली बाहर निकल आए। और अब हम इसमें ये बटर पेपर रखेंगे और इस पर भी ऊपर से तेल लगा देंगे। बटर पेपर से क्या होता है कि केक हमारा नीचे से जलता नहीं है। अब हम बैटर को केक टिन में डाल लेंगे। अब हम केक पैन को थोड़ा टैप करेंगे जिससे इसमें जो बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और कढ़ाई भी हमारी प्रीहीट हो गई है। अब हम इसमें केक टिन को रख देंगे और इसको कवर कर देंगे, और इसको 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे। फ्लेम को हम पहले 5 मिनट के लिए मीडियम रखेंगे, इसके बाद फिर हम इसको लो कर देंगे। 40 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। वाओ, केक भी हमारा बढ़िया बेक हो गया है। केक हमारा बढ़िया सा बेक हो गया है, और चेक कर लेते हैं, नाइफ भी हमारा बिल्कुल क्लियर आया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब केक हमारा बेक हो गया है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और पैन को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम केक को ठंडा होने देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और केक भी हमारा ठंडा हो गया है, और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसके किनारों को अलग कर लेंगे। ये देखिए, पैन हमारा एकदम क्लीन आया है। अब हम ये पेपर हटा देते हैं, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक हमारा बेक हुआ है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, और इसको डेकोरेट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने 8 बड़े चम्मच व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसको मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था जिससे ये मेल्ट हो गई है, और अब हम इसको व्हिप करेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं इसको व्हिप करते हुए,
और इसमें ये अभी भिग हुई है काफ़ी, लेकिन अभी ये थोड़ी गर्म हो गई है, तो इसलिए हम इसमें नीचे आइस बाउल रखेंगे और उसके ऊपर इस बाउल को रख के फिर इसको दोबारा से व्हिप करेंगे। अभी इसमें पीक फॉर्म हो रही है, लेकिन अभी ये उतनी स्टिफ नहीं है। क्रीम को व्हिप करते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया पीक फॉर्म हो रही है। अब हम इसमें 2 बूंद वनीला एसेंस डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए और व्हिप करेंगे। व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई है और अब हम इसे केक पर लगाएंगे। अब हम केक का ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको निकाल देंगे और आप देख सकते हैं केक में कितनी बढ़िया जाली आई है। अब हम जो केक का ऊपर वाला पार्ट जो हमने कट किया था इसमें से इसको तोड़ के इसको क्रश कर लेंगे और इसको हम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने क्रश कर लिया है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं और केक को डेकोरेट कर लेते हैं। अब हम इसको बीच से एक और इसकी लेयर कट करेंगे। केक पर क्रीम लगाने के लिए सबसे पहले हम एक ये गोल्डन कलर की प्लेट लेंगे, उसके ऊपर केक रखेंगे और फिर हम इस पर ये बटर पेपर लगा देंगे जिससे हमारी ये प्लेट गंदी नहीं होगी। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। मैंने केक पर क्रीम लगा दी है और अब हम इस पर ये दूसरा वाला पार्ट रखेंगे और इस पर हम ये शुगर सिरप डालेंगे। उस वाले में बताना मैं भूल गई थी। अब हम कोन में एक नोज़ल डालेंगे, इसको ग्लास में इस तरह से रख देंगे और इसमें क्रीम फिल करेंगे। इस तरह से हम क्रीम को पहले फैला लेंगे, अब हम इसको केक पर अच्छी तरह से लगा देंगे। मैंने केक पर क्रीम को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम कोन में ये इस तरह का नोजल लगाएंगे और अब हम इस तरह से इस पर फूल बनाएंगे। मैंने केक पर चारों तरफ फूल बना लिए हैं। अब हमने जो ये क्रश किया था केक का ऊपर वाला पार्ट इसको ऊपर डाल देंगे। मैंने ऊपर पूरे केक पर फैला दिया है ये, और देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ये साइड में भी लगा देंगे। मैंने केक पर ऊपर की तरफ और ये साइड में भी अच्छी तरह से लगा दिया है ये जो हमने केक का क्रश किया था वो पार्ट। और अब हम ये इसके जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको आराम से निकाल देंगे। अब हम इस पर नीचे की साइड भी फूल बना देंगे। और मैंने चारों ही तरफ से केक को डेकोरेट कर दिया है और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। हमारा रेड वेलवेट केक बिल्कुल तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है ये। और अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। लीजिए, हमारा बहुत ही डिलीशियस रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो गया है। और आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है और ये दिखने में इतना टेम्पटिंग होता है कि आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। और जब आप इसे बनाएंगे तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। अगर आपने मेरी पिस्ताचिओ केक की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।